हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। पाकिस्तान में फिर तख्तापलट की तैयारी। नया पाकिस्तान देने में फेल रहे इमरान खान, एक बार फिर सेना कर रही सत्ता पर कब्जे की तैयारी। पाकिस्तान में एक बार फिर सेना सत्ते पर कब्जा जमाने में जुट गई है। इमरान खान की घटती लोकप्रियता के बीच पाकिस्तान में एक दर्जन से अधिक मौजूदा और पूर्व सैन्य अधिकारी सरकार में अहम पदों पर काबिज हो चुके हैं। सरकारी विमानन कंपनी, बिजली नियामक और कोरोना महामारी से लड़ रहे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जैसे विभाग अब सीधे तौर पर सेना के नियंत्रण में है। सुस्त अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और करीबों पर भ्रष्टाचार के लगते आरोपों की वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की लोकप्रियता देश में तेजी से घट रही है। कई छोटे दलों के सहयोग से चल रही इमरान खान सरकार को सेना की कठपुतली ही माना जाता है। पाकिस्तान में ये नया नहीं है। पड़ोसी मुल्क में सेना ही सबसे शक्तिशाली केंद्र है और सालों तक सेना का ही सत्ता पर कब्जा रहा है। 2018 में इमरान खान नया पाकिस्तान बनाने के साथ सत्ता में आए, लेकिन वो अपने वादे के मुताबिक कोई बदलाव नहीं ला सके। सरकारी टेलीविजन पर हर दिन जब देश को कोरोना महामारी को लेकर जानकारी दी जाती है, तो इस प्रेस ब्रीफिंग में आर्मी के मौजूदा अधिकारी भी शामिल होते हैं। रिटायर्ड आर्मी लेफ्टिनेंट जनरल असीम सलीमा बाजवा अब इमरान खान के कम्युनिकेशन एडवाइजर हैं और चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत $60 अरब के निवेश की निगरानी भी करते हैं। कैबिनेट में शामिल सेना के कम से कम 12 वफादार सेना अध्यक्ष से राष्ट्रपति बने तानाशाह परवेज मुशर्रफ के प्रशासन में भी शामिल थे। इसमें गृह मंत्री इजाज शाह और इमरान खान के वित्त सलाहकार हफीज शेख भी शामिल है। सेना के बढ़ते दखल को सरकार के सलाहकारों भी समर्थन दे रहे हैं। नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम टास्क फोर्स के प्रमुख जैगम रिजवी कहते हैं, ये एक भावना है कि यदि हम अधिकांश नेतृत्व सेना को देते हैं तो सेना के पास अच्छा सिस्टम है। न्यूयॉर्क स्थित विजय कंसल्टेंसी के मुखिया आरएफ रफीक कहते हैं कि खान की सत्ता से पकड़ ढीली होती जाएगी, क्योंकि सेना के मौजूदा रिटायर्ड अधिकारियों और सेना समर्थित राजनीतिक नियुक्तियों को अधिक अधिकार दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में आर्थिक हालत खराब होने के साथ इमरान खान पर दबाव बढ़ता चला जाएगा। कोरोना वायरस लॉकडाउन के खराब प्रबंध को लेकर भी सेना खान सरकार से असंतोष जाहिर कर चुकी है। पाकिस्तान में आर्थिक हालत बेहद खराब हो चुकी है। अर्थव्यवस्था पिछले 7 साल में सबसे कमजोर हालत में है। महंगाई और कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से भी इमरान खान के लिए टेंशन बढ़ गई है। भारत के बाद पाकिस्तान एशिया में सबसे अधिक संक्रमित देश है। यहाँ 1 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और 200 से अधिक लोगों की जान गई है। सरकार में सेना की भूमिका को लेकर सवाल तब अधिक बढ़ गए जब मार्च में कोरोना केसों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। इमरान खान ने देश को संबोधित करते हुए संयम रखने की अपील की और अगले दिन लॉकडाउन की घोषणा सेना के प्रवक्ता ने की। वायरस नर्व सेंटर से योजना मंत्री असद अमर जो बयान पढ़ते हैं, वो सेना के मीडिया विंग से लिख कर दिया जाता है। बकायदा इस पर सेना का लोगो भी होता है। जागरूक टीवी की खास पेशकश।